हेलो भाई लोग, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हो डीवी रिव्यू। अच्छा, और भाई लोग मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। ठीक है, कुछ ही सब्सक्राइबर्स बाकी हैं 500 होने में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग कर दो। ठीक है, समझ गया, कर दो यार। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। तो भाई लोग, जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं आपको इस वीडियो में कमाल की वन ऑफ द बेस्ट एलियन मूवीज बताऊंगा जिन्हें देखकर आपको मजा आ जाएगा। और भाई लोग, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सभी एलियन मूवीज आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगी। तो भाई लोग, बिना किसी टाइम बर्बादी के और बिना किसी फालतू के इंट्रो के वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई लोग, आते हैं नंबर 5 की मूवी पर। इस मूवी का नाम है पाउल और इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 और यह एडवेंचर कॉमेडी साइंस फिक्शन मूवी है। और इस मूवी में दिखाया गया है इन दो दोस्तों को जो कि घूमने के लिए जाते हैं एरिया 51, क्योंकि भाई लोग इन्होंने एरिया 51 के बारे में बहुत कुछ सुना होता है, जैसे कि एरिया 51 में एलियंस पाए जाते हैं और कुछ एलियंस को एरिया 51 में कैद भी करके रखा है। तो भाई लोग, फिर ये दोनों दोस्त निकल पड़ते हैं एरिया 51 और वहां पहुंचने के बाद इनकी मुलाकात होती है इस एलियन से जिसका नाम पोल है। और भाई लोग, ये एलियन एक नंबर का हरामी एलियन है। और भाई लोग, फिर ये एलियन मांगता है मदद इन दोनों से। मदद ये है कि ये एलियन चाहता है कि ये इसकी मदद करें ताकि ये एलियन अपने घर जा सके। तो भाई लोग, आपको इस मूवी में देखना ये है कि क्या ये एलियन अपने घर जा पाता है या नहीं। भाई लोग, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक कमाल की कॉमेडी एलियन मूवी है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और भाई लोग, मैं पर्सनली चाहूंगा कि आप इस मूवी को देखें। तो भाई लोग, आते हैं नंबर 4 की मूवी पर। इस मूवी का नाम है द डे द अर्थ स्टूड स्टील और इसकी IMDb रेटिंग है 5.5 और ये एक्शन ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। और इस मूवी में होता यह है कि अर्थ पर एक एलियन शिप आ जाती है और फिर अर्थ के कुछ रिसर्च करने वाले लोग जाते हैं इस स्पेस शिप को देखने के लिए और उन लोगों को स्पेस शिप में एक एलियन मिलता है जो कि देखने में इंसान की तरह होता है। पर भाई लोग, ये देखने में तो इंसान की तरह है लेकिन ये अंदर से एलियन है। और भाई लोग, ये एलियन बताता है कि ये अर्थ पर आए हैं सभी लोगों को खत्म करने के लिए, क्योंकि इन एलियंस का मानना है कि धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो है इंसान। तो भाई लोग, अब ये एलियंस इन इंसानों को खत्म करना चाहते हैं। तो भाई लोग, ऐसे में इंसान कैसे एलियंस का सामना करते हैं ये देखिए आप इस मूवी में। और भाई लोग, मैंने इस मूवी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया क्योंकि भाई लोग, इस मूवी में जो सीन्स दिखाए गए हैं प्लस इस मूवी में जितनी भी तबाही होती है उसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। मूवी एक नंबर है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो भाई लोग, आते हैं नंबर 3 की मूवी पर। इस मूवी का नाम है इंडिपेंडेंस डे और इसकी IMDb रेटिंग है 7 और ये एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। और भाई लोग, आपको इस मूवी में विल स्मिथ देखने को मिलेंगे जिन्होंने कमाल का किरदार निभाया है। तो भाई लोग, अब बात करते हैं इस मूवी की। मूवी में होता यह है कि अर्थ पर कुछ एलियंस आ जाते हैं अपना राज करने के लिए और भाई लोग, ये जो एलियंस हैं इनके पास काफी हाईटेक वाले वेपन्स हैं, लेकिन जो इंसान है उनके पास इतने अच्छे वेपन्स नहीं है कि वो एलियंस का सामना कर सकें। और भाई लोग, जिन लोगों की एलियंस से फटती है इस मूवी में उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है। तो भाई लोग, आपको इस मूवी में देखना ये है कि आखिर इंसान कैसे इन एलियंस का सामना करते हैं। और भाई लोग, इन एलियंस के पास कमाल कमाल के वेपन्स हैं कसम से। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और भाई लोग, जो मूवी में स्टोरी दिखाई गई है उसे भी देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो भाई लोग, आते हैं नंबर 2 की मूवी पर। इस मूवी का नाम है अराइवल और इसकी IMDb रेटिंग है 7.9 और ये ड्रामा मिस्ट्री साइंस फिक्शन मूवी है। और भाई लोग, अगर आपने इस कमाल की एलियन मूवी को अभी तक नहीं देखा तो भाई लोग, इस एलियन मूवी को जरूर देखना। इस मूवी में होता यह है कि अर्थ पर 12 एलियन सिर्फ आ जाती हैं और फिर मिलिट्री वाले चाहते हैं कि वो पता करें कि आखिर ये एलियंस अर्थ पर क्यों आए हैं। और भाई लोग, ये पता लगाने के लिए तो भाई लोग इनको एलियंस से बात करनी होगी और इन्हें एलियंस से बात करने के लिए एलियंस की भाषा भी आनी चाहिए जो कि इन्हें नहीं आती। तो ये मदद लेते हैं इस लड़की की जिसे दुनिया की सभी लैंग्वेजेस आती हैं। तो ये मिलिट्री वाले रात को ही उस लड़की को उठा के ले आते हैं ताकि ये लड़की उन एलियंस से बात कर सके और पता लगा सके आखिर ये एलियंस अर्थ पर क्यों आए हैं। और भाई लोग, जब आप इस मूवी को देखोगे और आपको जब पता चलेगा कि आखिर ये एलियंस क्यों आए हैं तो भाई लोग, आपके होश उड़ जाएंगे देखकर। ये एक कमाल की मास्टरपीस एलियन मूवी है जिसे आपको 101% देखना चाहिए। तो भाई लोग, आते हैं नंबर 1 की मूवी पे जो कि मेरी फेवरेट मूवी है और हमेशा मेरी फेवरेट मूवी रहेगी।
इस मूवी का नाम है जॉन कार्टर और इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 और ये एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। और भाई लोग, ये एक ऐसी एलियन मूवी है जिसे देखकर मैं 1% भी बोर नहीं हुआ, 1% भी। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है इस लड़के की जो कि सोने चांदी की तलाश में दर बदर भटक रहा होता है और तभी जाता है ये एक गुफा में और उस गुफा में इसकी मुलाकात होती है एक अजनबी से जिसके पास एलियन टेक्नोलॉजी होती है। और जब अपना हीरो उस व्यक्ति से वो एलियन टेक्नोलॉजी छीन रहा होता है तो वो एलियन टेक्नोलॉजी अपना काम करती है जिसकी वजह से अपना हीरो ट्रांसफर हो जाता है मार्स पर, जहां पर एलियंसों का राज है। और भाई लोग, जब ये वहां पहुंच जाता है तो इसे बहुत से खतरनाक एलियंस देखने को मिलते हैं। और भाई लोग, उस प्लेनेट पर एलियंस की आपस में जंग हो रही होती है और उस जंग के बीच में पहुंच जाता है अपना हीरो। और भाई लोग, मैं आपको ये भी बता दूं कि अपने हीरो को एक एलियन लड़की से प्यार भी हो जाता है। भाई लोग, ये एक कमाल की मास्टरपीस, मतलब यार शब्द ही नहीं है इस मूवी की तारीफ करने के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस मूवी को भूलकर भी मिस ना करें। और साथ ही साथ भाई लोग, आपको इस मूवी में देखना ये है कि आखिर अपना हीरो कैसे वापस अर्थ पर आता है, वो देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। और भाई लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई लोग, मैंने इस वीडियो में कमाल की गॉडफादर हॉरर मूवीज के नेम बताए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आ जाएगा। इस वीडियो में सारी मास्टरपीस मूवीज हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। तो भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।